ईद की सुन्नतों का ख्याल करें और फिर ईद के बाद अपनी तमाम तर दिल की जो भी दिल के अंदर दूरते हैं हैं आपस की लड़ाइयां हैं उमूमन रिश्तों में होती है सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन आदमी वो है कि जो इन सारी इख्तलाफा को बुलाकर पहल करे और जाकर उनसे ईद मिले उनको मुबारकबादी दे और आने जाने का जो की जो फिजा है वो कायम करे नौकरी लगने की खुशी होती है कारोबार में तरक्की की खुशी होती है दूर से कोई बेटा कोई भाई कोई आता है तो खुशी होती है मिलके। ये सारी खुशियां कौन देता है अल्लाह देता है तो अब ये कैसा इंसाफ हुआ कि जिस जात ने आपको खुशी दी है आप खुशी में आकर उसी की नाफरमानिया करें तो मैं अर्ज किया करता हूं जिस जात ने खुशी दी है बेहतरीन तरीका तो ये है कि अल्लाह के सामने दो रक़ात सलातुल हाजत पढ़कर शुक्राने की दो रकात पढ़कर अल्लाह ताला से शुक्र किया जाए और अल्लाह का वादा है लइन शकर तुम लजीद जब तुम शुक्र करोगे जितना शुक्र करोगे मैं और अदा करूंगा बसमल इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए बहुत कुछ दिया है और इनकी समत और इनका रास्ता सही रुख पे डाला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मनवरा आए तो वहाँ के लोग यहूद जो है वो दो दिन बड़े अहतमाम के साथ खेल कूद करते थे ख़ुशियाँ मनाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि महादान्यूमान ये कौन से दो दिन है जितने इतनी खुशियाँ करते हो और इतने प्रोग्राम करते हो उन्होंने कहा यार रसोल्ला उन्होंने कहा कि ये उनके ख़ुशी के दो दिन हैं जो वो करते हैं तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने इन दो दिनों के बदले तुम्हारे लिए और दो दिन दिए हैं जिन में तुम खुशियाँ मनाओ जिन में तुम अपने जायज़ प्रोग्राम करो जिनमें तुम खेलो कूदो ईद हैं फितर और अजहा अब फितर तो गुज़र गई ईद अजहा आ रही है तो ईद जो है वो एक ख़ुशी का मौसम है खुशी का वक्त है खुशी का दिन है जिसमें सारे अहबाब रिश्तेदार दोस्त और दूर दराज रहने वाले मुसाफिर सब जमा हो जाते हैं घर में ताकि एक साथ ईद करें और मेरी मालूम के मुताबिक ईदालफ़ितर से भी ज़्यादा ईद अजहा में लोग जमा होते हैं बाहर मुल्कों से आते हैं कि अपने प्यारों के साथ अपने वालदेन के साथ अपने बड़ों के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ वो ईद करें और ईद के बाद कुर्बानियाँ करें और कुर्बानी के गोश सब मिलजुल के लुत्फ उठाएं मज़े से खाएं और दीगर प्रोग्राम करें तो ये बहुत अच्छी बात है ये ईद है इसीलिए इसी लिए कि इसमें खेलें कूदें इसमें खुशी करें इसमें हर जायज़ अपनी खुशी पूरी करें तो सबसे पहले ये बात जहन में रखें कि ईद जो है ईद की को, जो शरी है वो जहन में रखें कि ईद के दिन दरअसल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुसलमान को ख्याल रखना ज़रूरी है जो ईद की सुन्नतें समझी जाती हैं वो ये है कि ईद अजहा में नमाज़ से पहले कुछ खाना पीना मना है जिस तरह फितर में दो तीन खजूर खाना या सात या पाँच कुछ भी खजूर खा के ईदगाह जाने की इजाज़त थी लेकिन ईदालफर में नहीं ईदलफ़ित में आप नमाज पढ़ेंगे नमाज के बाद आकर कुर्बानी के गोश से खाने पीने की इब्तदा करें तो सबसे बेहतर यही है लेकिन अगर आपको भूख लगी है तो कुर्बानी ज़बह करने से पहले भी आप नाश्ता कर सकते हैं खा पी सकते हैं मसला नहीं है लेकिन ईद की नमाज़ की तरफ जाने से पहले कुछ खाना पीना मना है और जाहिर है ईद का दिन है मुबारक दिन है खुशियों का दिन है मुलाकातें होती हैं तो ईद की सन्नतों में ईद की ख़ुशियों में ये भी शामिल है कि आप अच्छा साफ़ सुथरा नया कपड़ा पहने खुशबू लगाएं और फिर तकबीर कहते हुए ईद की तरफ़ जाएं, एक रास्ते से जाएं, दूसरी तरफ से आएं और तकबीरात आप नमाज़ शुरू होने से पहले पहले तक आपने तकबीर कहना है वो तकबीर मैंने पहले भी बताया कि अल्लाकबरल्हु अकबर ला अकबरल्ल अकबर वलिल्लाहमद ये तकबीर कहें और भी जो आपको तकबीरात याद हैं आप कह सकते हैं लेकिन ये बात याद रखें कि ईद के दिन ईदगाह में जाके कोई सुन्नत कोई नफल कोई कोई नमाज नहीं है सिर्फ़ आप ईद की नमाज़ का इंतज़ार करेंगे और नमाज के बाद ईद का खुतबा सुनना ये वाजिब है अहनाफ के नज़दीक बाके हज़रा के नज़दीक सुनत है ताकिद है ज़रूरी है लेकिन ये है कि वाजिब नहीं है जबकि अनाफ़ के नज़दीक ईद का ख़ुतबा सुनना भी वाजिब है एक और बात जहन में रखें कि ईद मिलना जैसे बहुत सारे लोग ईद में गले मिलने को जरूरी समझते हैं यहाँ तक कि दो भाई दो रिश्तेदार दो बाप बेटा साथ जाते हैं ईद में साथ ही खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं फिर ईद के बाद उठ के गले मिलते हैं तो भाई ये ही मिलना किस खाते में है अगर आप गए हैं ईदगाह में कोई रिश्तेदार आप जो काफ़ी अरसे से नहीं मिला था आज मिल रहा है बेशक मज़े से आप गले मिलें खूब खुशी करें लेकिन ईद के लिए अलग से गले मिलने का ऐसा कोई सबूत नहीं है बल्कि अगर इस पर अल्तज़ाम किया जाए इसको ज़रूरी समझा जाए तो फिर बिदत बन जाती है तो इसलिए ईद की सुन्नतों का ख़्याल करें और फिर ईद के बाद अपनी तमाम तर दिल की जो भी दिल के अंदर कुदूरतें हैं इख्लाफा हैं आपस की लड़ाइयाँ हैं उमूा रिश्तों में होती हैं ये बातें होती रहती हैं भतीजों और चाचे में इख्तलाफ भाई भाई-भाई में इख्तलाफ़, इसी तरह बहन बहन में इख्तलाफ़, और इस तरह अपने पड़ोस में इख्तलाफ़ ये रहता है तो सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन आदमी वो है कि जो इन सारी इख्लाफा को बुलाकर पहल करे और जाकर उनसे ईद मिले उनको मुबारकबादी दे और आने जाने का जो कि जो फ़िज़ा है वो कायम करे तो ईद के लिए ये चीज़ें जहन में रखना होता है अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ईद के दिन एक खुशी होती है सबको खुशी होती है अब ये याद रखें कि खुशी किसने दिया इंसान को अल्लाह ने खुशी दिया है कोई भी खुशी शादी ब्याह की खुशी होती है बच्चा बच्ची पैदा होने की खुशी होती है नौकरी लगने की खुशी होती है कारोबार में तरक्की की खुशी होती है दूर से कोई बेटा कोई भाई कोई आता है तो खुशी होती है मिलके ये सारी खुशियाँ कौन देता है अल्लाह देता है तो अब ये कैसा इंसाफ हुआ कि जिस ज़ात ने आपको खुशी दी है आप खुशी में आकर उसी की नाफरमानियाँ करें देखें जायज़ हदूद में आप खुशी कर सकते हैं जैसे नौजवान लड़के हैं जाते हैं कोई खेल कूद करते हैं कोई खुशियाँ मनाते हैं प्रोग्राम करते हैं लेकिन वहाँ भी जाकर नमाज़ को नहीं भूलना है अपने टाइम पर नमाज पढ़ना है और इसी तरह जब वहाँ जाते हैं तो कोई गैर इस्लामी गैर शरीय गैर अखलाक़ी हरकत नहीं करना है इस्लामी हदूद के अंदर रहते हुए अखलाकी दायरे के अंदर रहते हुए आप हर किस्म की खुशी कर सकते हैं खाने पीने में कोई मना नहीं है आप कबाब बना के खाएँ आप टिक्के बना के खाएँ आप अपने साथ फ्रूट ले जाएँ आप गोश्त पका के खाएँ अच्छे से अच्छा खाना खाएँ कोई मना नहीं है लेकिन इस्लामी शरीयत के खिलाफ कोई काम करना सुन्नत के खिलाफ कोई काम करना अखलाक के खिलाफ कोई काम करना ये फिर गलत है तो मैं अर्ज किया करता हूँ जिस जात ने खुशी दी है बेहतरीन तरीका तो ये है कि अल्लाह के सामने दो रक़ात सलातुल हाजत पढ़ कर की दो रकात पढ़ कर अल्लाह ताला से शुक्र किया जाए और अल्लाह का वादा है लिन शकर तुम जब तुम शुक्र करोगे जितना शुक्र करोगे मैं और अता करूँगा लेकिन हमारे यहाँ चूंकि गंगा उल्टी बहने का जो नौकरी लगने की खुशी होती है कारोबार में तरक्की की खुशी होती है दूर से कोई बेटा कोई भाई कोई आता है तो खुशी होती है मिलके ये सारी खुशियां कौन देता है अल्लाह देता है तो अब ये कैसा इंसाफ हुआ कि जिस जात ने आपको खुशी दी है आप खुशी में आकर उसी की नाफरमानियां करें ये औरत भी सारे इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है देखें जिस जात ने खुशी दी है वो खुशी छीन भी सकते हैं कई ऐसे मौा हुए खुशी का मौका है शादी हो रही है वो शादी जो है वो गम में तब्दील हो गई कोई ऐसा वाक़ हुआ मसला फायरिंग करते करते किसी इंसान को लग गई फायरिंग ऐसा भी हुआ कि दुल्हा को लग गई तो इसलिए खुशी के मौके पर यह कोशिश करें कि अल्लाह को नाराज न करें बल्कि जितनी अब अल्लाह ने आपको खुशी दी है उतना अपने रब का जिक्र करें नमाज़ पढ़ें ज़िक्र करें दुआ करें उसकी तारीफ़ करें सद का खैरात करें ताकि अल्लाह और नवाजें खुशी में आकर अल्लाह के नाफरमानी करना ये बिल्कुल नासाफ़ी है और ये बिल्कुल ग़लत बात है और ये उस ख़ुशी के साथ ज्यादती है जो ख़ुशी आप मना रहे हैं अल्लाह ताली हम सबको ईद की ख़ुशिया नसीब फ़रमाएँ खुशियों की तकमील नसीब फरमाएं और बार बार ऐसी खुशियां नसीब